पाकिस्तान क्रिकेट टीम को एक नया मोहम्मद हफीज़ मिल गया, जो आने वाले वक्तों में पाकिस्तान के लिए मोहम्मद हफीज़ और शुएब मलिक से भी बड़ा ऑलराउंडर बनेगा। जी तो मैं बात कर रहा हूँ मुबस्सर खान की। जवाबे ने पाकिस्तान शाहींस को छठे मैच में शिकस्त दी कि सीरीज 4-2 से अपने नाम कर लिए और ये पाकिस्तान के लिए बहुत इबरतनाक शिकस्त है। सीरीज़ में जहाँ पाकिस्तान को बहुत सारी मुश्किलें देखने को मिली हैं, वहीं पर एक बहुत अच्छा ऑलराउंडर पाकिस्तान को मिल गया। मुबस्सर खान ने आखिरी मैच में जिस तरह की बैटिंग की, देख के मज़ा आ गया। 21 साल नौजवान ने अपने शॉट से सबको इंप्रेस कर लिया है और एक कमाल सेंचुरी जड़ दी है। अनफॉर्चुनेटली वो पाकिस्तान के लिए फिनिश नहीं कर सके, लेकिन अगर उनको कोई साथ देने वाला होता तो वो पाकिस्तान को मैच ज़रूर जितवाते, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो मैच नहीं जितवा सके। लेकिन जिस तरह की उसकी इनिंग थी, उसकी मैं समझता हूँ जितनी तारीफ की जाए वो कम है। मुबस्सर खान की उम्र 21 साल है, वो PSL में इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम की नुमाइंदगी करते हैं। इसके अलावा वो नॉर्दर्न की टीम की तरफ से भी खेलते हैं। एक प्रॉपर ऑलराउंडर होने के नाते वो काफ़ी अच्छी लेग ब्रेक बॉलिंग भी करते हैं और इसके अलावा एक राइट हैंड बैट्समैन है। मुबस्सर खान आने वाले वक्तों में पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा एसेट साबित हो सकता है और पाकिस्तान के लिए जो बहुत साल मोहम्मद हफीज़ और शुएब मलिक करते रहे हैं, जिस तरह की उस दौर में पाकिस्तान के लिए अच्छे ऑलराउंडर्स थे, मुबस्सर खान भी उस लिस्ट में आ सकते हैं और पाकिस्तान को वो सर्विसेज दे सकते हैं जो मोहम्मद हफीज़ और शुएब मलिक दिए करते थे। तो आपको मुबस्सर खान कैसा बैट्समैन लगा, कैसा ऑलराउंडर लगा, अपनी राय कमेंट्स में दे सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई है तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।